और इस बीच आपको सीधे गोरखपुर ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में पूजा दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको ये सीधी तस्वीर गोरखपुर से दिखा रहे हैं। गोरखपुर के दो दिवसीय दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दर्शन का जनता दर्शन के जरिए उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत की और अब पूजा अर्चना करते हुए और उसके बाद करोड़ों की सौगात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंडल के 3 जिलों को देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल पूरे विधि पूजन विधि के साथ पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, जिसकी ये सीधी तस्वीर गोरखपुर से आप देख रहे हैं। तो ये निकाय चुनाव के बीच मुख्यमंत्री का दौरा कई मायनों में काफी अहम है। तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है, तैयारियां तेज हैं। मतदाता सम्मेलन के जरिए भी मतदाताओं से संवाद और उसी कड़ी में ये 2 दिवसीय दौरा गोरखपुर का, जहां गोरखपुर मंडल के 3 जिलों को करोड़ों की सौगात देंगे। फिलहाल तमाम मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे। इससे पहले आपने तस्वीर देखी थी जब जनता दर्शन कार्यक्रम उनका यहाँ पर हुआ और तमाम फरियादियों की समस्याएं वो सुनते नजर आए और कुछ समस्याओं का मौके पर निपटारा किया गया, कुछ को निर्देश अधिकारियों को दिए गए कि तुरंत प्रभाव से इन समस्याओं को दूर किया जाए। और अब पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसकी सीधी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर गोरखपुर वासियों को कई सौगातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएंगी। तो गोरखपुर मंडल के 3 जिलों को करोड़ों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू असम दौरे पर हैं और इस दौरान वो सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट में सवार हैं, जो अब से कुछ ही देर में उड़ान भरते हुए नजर आएगा। और जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन और भारत के बीच तलखी के तेवर देखे जा रहे हैं, उस बीच ये उड़ान अपने आप में काफी अहमियत रखती है। हमने आपको इस विमान की, इस लड़ाकू विमान की जो खासियत है वो आपको बनाया। दूसरी तस्वीर गोरखपुर की है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण वहां पर चल रहा है। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जो कि आज की बड़ी तस्वीर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वासियों को करोड़ों की सौगात देंगे। तो दूसरी तरफ जो पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये है सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान, जो अपने आप में बहुत सारी खासियत जो है वो समेटे हुए है। और अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इससे उड़ान भरते हुए नजर आएंगी। वो विमान में सवार हो चुकी हैं और इस उड़ान भरने से पहले जो जानकारियां हैं वो यहां पर उनको दी जा रही है। को पायलट के तौर पर वो उड़ान भरते हुए नजर आएंगी और इस उड़ान के जरिए एक सख्त संदेश भी कहीं ना कहीं अपने एयरफोर्स की ताकत को लेकर दिया जाएगा। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू पहली बार उड़ान नहीं भर रही है, बल्कि इससे पहले भी जो राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, रामनाथ कोविंद, प्रतिभा पाटिल भी इसी तरह से उड़ान जो है वो भर चुके हैं। तो फिलहाल आपको ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कई तरह के हथियारों को लगाने की व्यवस्था भी सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान में। और अब फिलहाल आपके 2 स्क्रीन जो है हम आपको तस्वीर पर दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर जानकारियां दी जा रही हैं। तो तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आज की ये 2 बड़ी तस्वीर है, जहां एक तरफ सुखोई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ ही देर में उड़ान भरेंगी, दूसरी तरफ गोरखपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 दिवस से उनका ये दौरा है। पहले दिन के दौरे की शुरुआत उन्होंने जनता कार्यक्रम के साथ की, जहां फरियादियों की समस्याएं मुख्यमंत्री की तरफ से सुनी गई और कुछ का मौके पर निपटारा किया गया, कुछ को निर्देश यहां पर दिया गया अधिकारियों को कि जल्दी से जल्द इन समस्याओं को दूर किया जाए। और अब पूरे पूजन विधि का जो मंत्रोच्चारण के साथ वो पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो करोड़ों की सौगात आज गोरखपुर मंडल के 3 जिलों को उनकी तरफ से दी जानी है। तो वहीं आप पहली तस्वीर देख रहे हैं तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से, जहां पर तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होने के नाते द्रौपदी मुर्मू सेना की ताकतों, हथियारों, नीतियों से अवगत जो है उन्हें कराया जा रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू से पहले राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद वायुसेना के फाइटर जेट्स में उड़ान भर चुके हैं। तो इस वक्त असम के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और
ये दौरा अपने आप में कई मायनों में काफी अहम है। इसी समय भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर तलखी जो है वो यहां पर चल रही है, और इसी तलखी के बीच राष्ट्रपति का सुखोई लड़ाकू विमान में उड़ान भरना भारत की तरफ से एक ताकतवर संदेश यहां पर देता नजर आएगा, एक ताकत का एहसास कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को यहां पर कराया जाएगा। तेजपुर एयरपोर्ट बेस भारत की चार देशों से सुरक्षा करता है, और ये वो चार देश चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान है। तो आज की दो बड़ी तस्वीर न्यूज स्टेट पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ सुखोई Su-30 MKI विमान आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सवार है। दूसरी तस्वीर है गोरखपुर की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दो दिवसीय दौरा नगर निकाय चुनाव की गहमा गहमी के बीच काफी अहम हो जाता है। जनता दर्शन के साथ अपने पहले दिन के दौरे की शुरुआत मुख्यमंत्री की तरफ से की गई, और अब पूजा अर्चना उनकी तरफ से की जा रही है, और उसके बाद जो सौगातों की झड़ी है वो गोरखपुर वासियों को मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी। तो ये आपको तस्वीर हम सीधे दिखा रहे हैं, तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन की पहली तस्वीर, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ ही देर में उड़ान भरते हुए नजर आएंगी। और अगर बात करें इस लड़ाकू विमान की खासियत की, तो जबरदस्त स्पीड इसकी है, घातक हमले के लिए ये जाना जाता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 72 फीट इसकी लंबाई है। विंग स्पैन जो आपको साइड में नजर आ रहे होंगे 48.3 फीट और ऊंचाई 20.10 फीट है। इसका वजन 18,400 किलोग्राम। सुखोई में ल्यूल का एल